तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 58 का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में जैसा आपने भाई देखा कि अब भारत और शत्रुघ्न सब आए हुए हैं भाई श्री राम जी को लेने, लेकिन आगे अब देखते हैं कि वो वन में हैं तो साथ जाते हैं या नहीं, ये तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आप पता चलता है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। में उसने कभी मुझसे घृणा नहीं, कभी मुझ पे क्रोध नहीं किया। उसने तो आज भी मुझे वही बात वही स्नेह दिया है जो बचपन में दिया करता था। मैंने राम को बन दिया, आत्मग्लानी का भार। भरत, हम राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुमने राम से इस संदर्भ में कोई बात की? गुरुदेव, आप तो जानते ही मैं राम भैया का सेवक हूं। कुछ भी कहने से पहले संकोच मुझे बोलने नहीं देता। मैंने आर्य सुमन से कहा, राम भैया उनका बहुत आदर करते हैं, उनका कहा कभी टाल नहीं सकेंगे। परंतु आर्य सुमन, उन्होंने भी ये कहकर अपनी व्यवस्था दिखाई, अरे वो भी तो सेवक ही हैं। गुरुदेव, अब फिर मैंने माता कौशल्या के बारे में सोचा। अच्छा, परंतु मैं भली भांति जानता हूं कि राम भैया उन्हें एक उपदेश सुनाएंगे और वो कुछ नहीं कह सकेंगे। एक आप ही हैं गुरुदेव जिनकी आज्ञा राम भैया कभी टाल नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव, मेरे राम भैया को आज्ञा दी थी कि वो अयोध्या चलकर अपना राज सिंहासन संभाल ले, अन्यथा ये भरत यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग देगा। नहीं वत्स, नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भरत। धन्यवाद कुत्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। लक्ष्मी अवध लक्ष्मी की सेवा कर रही, कोमल करों का स्पर्श पा ममता से माता भर रही। निज धर्म से पालन कर यूं चाप माता के चरण, रह रह किसी को हो रहा निज माँ सुने स्मरण। सीते, तुम इतने दिनों से अयोध्या छोड़ हम सबसे दूर इस वन में हो पुत्री, क्या राम को कभी मेरी याद आई? क्या उसने कभी मेरे बारे में बात की? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं माँ जी? बड़ा निर्मोही है ना,
सदा कर्तव्य को भावना से ऊंचा समझता है। माँ जी आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माँ भवानी की। उन्होंने अयोध्या छोड़ते समय पिताजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगा, सही बात है। केवल इतना ही मांगा कि मेरी माता बहुत व्याकुल होंगी, आप सदा उन पर अपनी कृपा और अपनी स्नेह बनाए रखिएगा। वो मन से सन्यासी है सीता, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। राम, भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया है। जिसे हम सबका और तीनों माताओं का समर्थन प्राप्त है। मर्जी से। मेरी माता के दो वचनों के बहाने विधाता ने मुझे मेरे स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ का राज्य दिला दिया। परंतु उसके असली उत्तराधिकारी श्री राम है। धर्म ये कहता है किसी भी राज्य का असली उत्तराधिकारी सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। सही बात। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राम भैया मेरे हाथों अधर्म मत होने दीजिए। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर मुझे और मेरी माता को अपने पापों के प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। भरत, तुम मुझे वो पाप करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं भरत, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने माता पिता को समर्पित कर देता है। वो नहीं जो अपने माता पिता के वचनों को झूठा करके उनका मस्तक झुका दे। तो ठीक है राम भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपकी इस कुटिया के सामने एक कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को यह भरत प्रिय है या नहीं। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। जोग विराग धरे सब नाना, त्याग मूर्ति नहीं भरत समाना। तन पुलकित सिया रघुबर मन में, जीव नाम जप नीर नयन में। गुरुदेव मिथिला नरेश महाराज जनक पधारे हैं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। क्या? तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया है, तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी है। गर्व शरद वंदना कुलदेव। कल्याण हो मिथिला नरेश।
आपका आगमन शुभ है। शुभ तो महाराज दशरथ के साथ चला गया गुरुदेव। उनकी मृत्यु से अयोध्या और मिथिला अनाथ हो गए। सारी मिथिला नगरी शोक में डूबी हुई है। मिथिला नरेश, अब आप ही हमारी समस्या सुलझा सकते हैं। कदाचित इसीलिए ईश्वर ने आपको यहां चित्रकूट में भेजा है। महाराज जनक, कल फिर सभा का आयोजन किया गया है। गुरुदेव, होना वही है जिसका आयोजन ईश्वर कर चुके हैं। सही बात, आप सत्य कह रहे हैं। जो उधर से भाई बोला जा चुका होना तो वही है, क्योंकि अब आए हुए हैं भाई सब लेने श्री राम जी को। हाँ। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हमारी तो वो बात मान नहीं रहे। तो भरत ने जब बोला गुरु जी को, तब देख ले कि भाई गुरु जी भी बोल रहे थे कि जो भाई उनका मन होगा ना, लेकिन तो करेंगे तो भाई वही श्री राम जी। क्योंकि आप देख ले कि वो पहले ही इस चीज़ का उन्होंने तहैया कर लिया है कि जो वन में उन्होंने भाई 14 वर्ष गुजारने हैं वो जो इधर ही पिताजी के साथ भाई वादा किया, जो उनके पिताजी ने आगे वादा किया था, वो अब उन्होंने पूरा कर नहीं करना है। लेकिन ये कि उस चीज़ के ऊपर अब ये लगे हुए तो हैं, कोई कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकला है, लेकिन अभी तक जो उनकी वहाँ पे बात हुई है लगता नहीं कि वो इस चीज के ऊपर एग्री होंगे। सही बात, अब देखो ना, एक महाराज आते ना खुद, मतलब के होते या एक खुद आते इधर तो बोलते तो शायद राम जी चले जाते और माता जी ऐसे, जैसे कि अब परिवार एक है ना, ऐसे आता और मतलब के महाराज दशरथ भी साथ होते तो फिर कोई चांस था। लेकिन अब महाराज दशरथ की भाई एक मृत्यु हो चुकी है, इसी वजह से अब भाई एक मतलब के एक जो एक वचन दिया हुआ है ना, अगर वो टूटा तो भाई वो एक मतलब के सह नहीं पाएंगे राम जी। एक वो दिल पर होता है ना, जैसे बोझ बन जाता है, लेकिन वो बोझ बन जाता है। दूसरी साइड के ऊपर भरत ने भी बिल्कुल जो है ना वो सब कुछ खुल के बता दिया है, बड़ी शर्त कि भाई मैं इधर ही बैठ जाऊंगा, आप जब तक जो है ना नहीं मानेंगे। लेकिन ये कि अब महारानी कह के जो है ना वो भी साथ है, वो हो सकता है कोई ना कोई उपाय इस चीज के ऊपर दे दे कि आप जब मैंने वचन लिया था मैं ही इस चीज को जो है ना वो तोड़ रही हूँ या मैं कह रही हूँ, तो फिर आपको जो है ना इस चीज के ऊपर शायद बात हो जाए। लेकिन देखो अब आगे भाई क्योंकि अब आप जनक भी आ गए हैं, उनको आप कहा जा रहा है कि आप इस मामले को जो है उन्होंने भी बोल दिया है कि जो ऊपर से लिखा जाए अब कल भाई सजेगी तो पता चलेगा चलेगा अब क्या नेक्स्ट फैसला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।